6 अप्रैल 1593 को आगरा के एक पर्शियन परिवार में जन्मी अर्जुमंद बानो बेगम इतिहास का वो सुनहरा लम्हा है जिसकी याद में मुगल बादशाह शाहजहां ने एक ऐसी इमारत बनवाई जिसे आज प्यार की निशानी कहते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम का निकाह 10 मई 1613 को मुगल सम्राट जहांगीर के पुत्र खुर्रम से हुआ जो बाद में मुगलिया सल्तनत के बादशाह बने जिन्हें शाहजहां कहा गया। और शाहजहां ने ही अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल की उपाधि दी थी जिसके बाद से अर्जुमंद मुमताज महल के नाम से जानी गई। मुमताज महल का अर्थ है महल का प्यारा आभूषण। मुमताज शाहजहां की तीसरी पत्नी थी लेकिन जल्द ही वह उनकी सबसे पसंदीदा पत्नी बन गई। माना जाता है कि वो बहुत खूबसूरत और समर्पित पत्नी थी लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर उनका पति से भी मतभेद था। इतना ही नहीं मुमताज की मृत्यु भी 14वें बच्चे को जन्म देते हुए 1631 में हुई थी। आइए जानते हैं मुमताज महल से जुड़ी कुछ खास बातें जिसने अर्जुमंद बानो बेगम को बादशाह की प्रिय पत्नी बना दिया था। इसी सिलसिले में ताजमहल या मम्मी महल किताब के लेखक अफसर अहमद बताते हैं मुमताज को 3 भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। वो उर्दू, फारसी और हिंदी भाषा अच्छी तरह जानती थी। इतना ही नहीं उन्हें शेर व शायरी के साथ कविताओं का भी शौक था। बचपन में जब भी वो आगरा से दिल्ली जाती शायरियों और कविताओं की कई किताबें साथ ले आती थी। शाहजहां को मुमताज पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने मुमताज को शाही सील मुहर उझा के अधिकार भी दे रखे थे। मुमताज ने बाद में बताया था कि उन्हें कभी किसी प्रकार के राजनीतिक ताकत की कोई चाह ही नहीं थी। मुमताज को अपने साम्राज्य की साधारण महिलाओं से मिलना, उनके साथ खेलना और बातें करना भी काफी पसंद था। इसलिए कई बार वो आगरा के गार्डन में भी टहलने जाया करती थी। मुमताज की सुंदरता को उनके जीवन भर में कई कवियों लेखकों ने अपनी कविताओं और लेख में निखारा है। शाहजहां अपने पूरे मुगल साम्राज्य की यात्रा के दौरान मुमताज को साथ ले जाया करते थे। बहरहाल ये तो बात साफ है कि मुमताज महल बेहद खूबसूरत थी। जिनके प्यार में बादशाह शाहजहां इस कदर दीवाने थे कि उनकी मृत्यु के बाद दूध सा सफेद ताजमहल खड़ा करा दिया था। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई। मुमताज के शव को उस समय शाहजहां के चाचा दानियाल द्वारा तापी नदी के तट पर जैनाबाद गार्डन में दफनाया गया था। उनके शव को दिसंबर 1631 में फिर निकाला गया और सोने से बनी शव पेटी में आगरा के पीछे दफनाया गया। आगरा के ही पीछे यमुना नदी के तट पर एक छोटे से घर में उनके शव को रखा गया था। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां को काफी दुख हुआ। इसका शाहजहां के दिल पर काफी असर हुआ। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां 1 वर्ष के लिए शोक मनाते हुए एकांत में रहने के लिए चले गए। इतना ही नहीं मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां की तबीयत भी खराब हुई थी। इसके बाद शाहजहां बुरहानपुर के पीछे ही अपने सैन्य दल के साथ रहने लगे और वहीं रहते हुए उन्होंने मुमताज की याद में एक विशाल महल बनाने की योजना बनाई। उनके सपने को साकार होने में पूरे 22 साल लगे। मुमताज की याद में बने उस महल को ताजमहल के नाम से जाना जाता है और तब से लेकर आज तक ताजमहल मोहब्बत की निशानी कहलाया गया। दुनिया भर के लोग मुमताज की याद में बने ताजमहल को देखने आते हैं। मुमताज महल कितनी खूबसूरत थी, इस सवाल का जवाब है ताजमहल। क्योंकि ताजमहल की खूबसूरती देख जो एहसास होता है वो बादशाह शाहजहां की मोहब्बत मुमताज महल की खूबसूरती बयां करता है। इन्फोटेनमेंट डेस्क, स्टोरीहाउ.इन।